रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ कर रही है और 100% कहा जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी अरेस्ट कर लेगी। क्या है वो कारण जिसके तहत एनसीबी आज रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करेगी, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट सामने आई है, उसमें रिया का भी नाम है और रिया के अलावा जो लोग इन ड्रग चैट्स में इन्वॉल्व हैं वो सभी लोग इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में हैं। एनसीबी ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरा एविडेंस रिया के खिलाफ ये है कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है वो शो करते हैं कि रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स के लिए पेमेंट की गई है और कुछ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ये भी शो करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का पैसा यूज़ किया गया है इन ड्रग्स को खरीदने के लिए भी। तीसरा एविडेंस तो खुद रिया के भाई शौविक ने दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि रिया के कहने पर मैं ड्रग्स लाता था। साथ ही सैमुअल मिरांडा और दीपेश ने भी रिया का नाम लिया है। चौथा इशारा जो ये जाहिर करता है कि रिया की अरेस्ट हो सकती है वो ये कि रिया के वकील सतीश मान शिंदे, जिनको बहुत ही बेहतरीन वकील माना जाता है और जिनके लिए कहा जाता है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते, उन्होंने रिया को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि अगर आज एनसीबी रिया को अरेस्ट कर सकती है तो रिया अरेस्ट होने के लिए तैयार है। ऐसा स्टेटमेंट देने से ये बात साफ साफ नजर आती है कि रिया चक्रवर्ती को आज अरेस्ट कर लिया जाएगा। पांचवी बात जो ये इशारा करती है कि आज रिया चक्रवर्ती अपने घर वापस नहीं जा पाएगी, वो अरेस्ट ही होगी, वो ये कि उनके पिता ने जो स्टेटमेंट दिया कल रात में, उन्होंने उसमें कहा कि शौविक गिरफ्तार हो गया है और हो सकता है कल मेरी बेटी भी गिरफ्तार हो जाए। एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए कांग्रेचुलेशंस इंडिया, यानी कि उनके पिता को भी इस बात का अंदाजा है कि कल उनकी बेटी अरेस्ट हो सकती है इस ड्रग्स मामले में। इसके अलावा छठा एविडेंस वो है जो एनसीबी की टीम जब रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारने आई थी तब वो एविडेंसेस उन्हें मिले थे। ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, उनके टैब, उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप्स सभी एनसीबी की टीम जब्त करके गई है, जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो काफी है रिया को अरेस्ट करने के लिए। एक और बात जिससे ये साफ होता है कि रिया की अरेस्ट पक्की है वो ये कि सबसे पहले जैद को पकड़ा एनसीबी ने और जैद को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद नंबर आया बशित को, बशित को भी अरेस्ट किया। जैद और बशित से एनसीबी पहुंची शौविक मिरांडा और दीपेश तक, इन तीनों को भी एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया और फिर इन तीनों को अरेस्ट करने से एनसीबी पहुंची रिया चक्रवर्ती पर। हालांकि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करना एनसीबी के लिए सिर्फ यही नहीं है कि उन्हें सजा दिलवाई जाए या उन्हें अक्यूज्ड साबित किया जाए, बल्कि रिया चक्रवर्ती इस कड़ी की वो कड़ी है जिसके पास बहुत सारे राज छिपे हैं, जिसे ये पता है कि बॉलीवुड में और वो कौन कौन बड़े नाम हैं जो इन ड्रग्स की डील्स में लिप्त थे। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट है और जिसके कारण कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा। इनफैक्ट एनसीबी की बिल्डिंग में आज जो लेडीज के लिए जो रूम रखा गया है, यानी कि जो लेडीज को बंदी बनाने का रूम रखा गया है, उसको आज सैनिटाइज किया गया है, ऐसी खबरें आई हैं जिससे ये संकेत होते हैं कि आज उस रूम में कोई एक लेडी अक्यूज है वो ठहरने वाली है या उसे रखा जाने वाला है, इसीलिए इस रूम की सफाई की गई है। हालांकि इतनी नेगेटिव बातों में एक चीज जो रिया की पॉजिटिव है और उसी को प्लस पॉइंट रिया के इस केस में बनाया जाएगा वो ये कि रिया के पास ड्रग्स मिले नहीं हैं, एविडेंसेस मिले हैं चैट्स के रूप में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रूप में, लेकिन उनके पास कोई भी ड्रग मिला नहीं है। तो मे बी इस चीज को प्लस पॉइंट बनाकर इस केस में रिया के लिए कुछ रियायत हो सकती है या मांगी जा सकती है कोर्ट से।